हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल LSDP मेडिको में। तो आज के लेक्चर में अपन पढ़ेंगे स्टरलाइजेशन के बारे में, ठीक है। तो स्टरलाइजेशन क्या होता है? सबसे पहले स्टरलाइजेशन इज ए प्रोसेस बाय अ सरफेस और अ मीडियम, ठीक है, बिकम फ्री ऑफ ऑल द माइक्रो ऑर्गेजम बोथ इन वेजिटेटिव और स्पोरिंग स्टेट। स्टरलाइजेशन बाय रिमूविंग किलिंग देम, ठीक है। स्टरलाइजेशन क्या होता है कि ये किसी सर्फेस पे उपस्थित माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो वेजिटेटिव फॉर्म में हो या स्पोर फॉर्म में हो सभी को किल कर देता है या रिमूव कर देता है सर्फेस से, ठीक है। और इसी प्रकार से एक होता है डिसइन्फेक्शन। डिसइन्फेक्शन क्या होता है कि वो उस पे ऊपर से वेजिटेटिव और स्पोरिंग फॉर्म को वो भी हटाता है, बट वो क्या करता है कि उस सर्फेस से लगभग सभी को रिमूव कर देता है, बट सभी को रिमूव नहीं कर पाता है। वो उस टाइप से रख देता है डिसइन्फेक्शन की उससे बाद में आगे कोई वो कोई बीमारी वगैरह कॉज ना कर पाए, वो होता है डिसइन्फेक्शन, ठीक है। और उसके बाद में अपन सबसे पहले पर्पज़ ऑफ स्टरलाइजेशन। स्टरलाइजेशन अपन क्यों करते हैं? टू स्टरलाइज इंस्ट्रूमेंट एंड इक्विपमेंट यूज इन द सर्जिकल प्रैक्टिस। अगर किसी सर्जिकल प्रैक्टिस वगैरह करनी है या इंस्ट्रूमेंट वगैरह होते हैं अपने, इक्विपमेंट होते हैं, अगर उनको सर्जिकल में अपने को यूज करना है तो उनको सबसे पहले स्टरलाइज किया जाता है, वरना बैक्टीरियल इन्फेक्शन और बढ़ जाता है, ठीक है। फॉर द सेफ्टी पेशेंट एंड हेल्थ केयर स्टाफ के हेल्थ के लिए, मतलब उनकी सेफ्टी के लिए भी स्टरलाइजेशन करना जरूरी है। स्टरलाइजेशन आर फ्री फ्रॉम पैथोजन। स्टरलाइजेशन से कोई भी इंस्ट्रूमेंट होता है वो पैथोजन से फ्री हो जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले अपन इसके बारे में देखते हैं इसका क्लासिफिकेशन, ठीक है। मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन, इसमें होता है ये फिजिकल होता है, ये केमिकल होता है। फिजिकल में क्या होता है कि सबसे पहले नेचुरल और हीट, ठीक है, नेचुरल नेचुरल एंड हीट, नेचुरल हीट, रेडिएशन और फिल्ट्रेशन, ये मैकेनिकल, इन चार प्रोसेस से फिजिकल होता है, ठीक है। नेचुरल में सबसे पहले सनलाइट, ठीक है, और हीट में क्या होता है ड्राई हीट, मॉइस्ट हीट। ड्राई हीट में भी टाइप होते हैं, इसमें रेड हॉट होता है, फ्लेमिंग होता है, इंसनडेशन होता है, हॉट एयर होता है, इंफ्रारेड होता है। और मॉइस्ट हीट में होता है कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे और 100 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर। बिलो 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है पास्टुराइजेशन, और जो 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है वहाँ पे होता है बॉइलिंग या टिंडलाइजेशन, और 100 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर होता है ऑटोक्लेव, ठीक है। और रेडिएशन होता है उसमें एक होता है आयनाइजिंग और एक होता है नॉन आयनाइजिंग। और फिल्ट्रेशन क्या होता है एबिस्टेसिस और मेम्ब्रेन और सिंटर्ड ग्लास, ठीक है। ये फिल्ट्रेशन की मेथड, ये बहुत कम यूज आते हैं वैसे फिल्ट्रेशन मेथड। और बाद में देखते हैं केमिकल मेथड, इसमें लिक्विड और गैसेस आता है। लिक्विड क्या होता है एल्कोहल, एडिहाइड, फिनोलिक, हैलोजन, हैवी मेटल्स, डाई, सल्फेट, एक्टिंग एजेंट। और गैसेस में क्या होता है फॉर्मेडिहाइड, इथाइलिन ऑक्साइड, ठीक है। हम एक करके इन सभी के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले फिजिकल मेथड, फिजिकल मेथड में ड्राई हीट सबसे पहले, ड्राई हीट में सबसे पहले देखते हैं फ्लेमिंग। फ्लेमिंग में हीट ओवर द फ्री फिर टिल दे बिकम रेड हॉट, इंस्ट्रूमेंट पॉइंट ऑफ द फोर्सेप्स स्कैपुलर इनोक्युलेटिंग लूप्स एंड वायर। देखो ड्राई हीट में फ्लेमिंग सबसे पहले होता है। फ्लेमिंग में क्या होता है अगर किसी नुकीली वस्तु वगैरह हो गए, फोर्सेप्स वगैरह हो गए, स्पेक्चुलर वगैरह हो गए। और सेकंड है हॉट एयर ओवन, ठीक है, इसमें ऑपरेटेड एट 50 to 300 डिग्री सेंटीग्रेड, 160 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर 1 आवर। इंस्ट्रूमेंट ग्लास वेयर, फोर्सेप्स, सीजर्स, स्कैपुल्स, सिरिंज, लिक्विड पैराफिन, डस्टिंग पाउडर, इन सभी को स्टरलाइज किया जाता है। हॉट एयर ओवन में क्या होता है ग्लास बॉक्स होता है, ठीक है, ओवन टाइप होता है, उसमें क्या होता है कि एक पर्टिकुलर टेम्परेचर होता है, ठीक है। उस टेम्परेचर पे अपन किसी भी ग्लास वगैरह, फोर्सेस वगैरह, उन सभी को डाल के उनको स्टरलाइज किया जा सकता है, ठीक है। और तीसरा है इंसिनरेशन, इसमें एक्सीलेंट मेथड फॉर रैपिड डिस्ट्रॉइंग मटेरियल 8 डिग्री सेंटीग्रेड पर। इनको मतलब सबसे पहले क्या होता है इंसिनरेशन में कि सबसे पहले अगर किसी भी मटेरियल होता है उनको सबसे पहले डिस्ट्रॉय करने के लिए उनको सबसे पहले राख बना दी जाती है उसकी, ठीक है। उनको पूरा गर्म करके मतलब उनको पूरा जला दिया जाता है, उनसे पूरी राख बना दी जाती है और फिर उनको डिस्कार्ड कर दिया जाता है, ठीक है। इसमें क्या होता है पैथोलॉजिकल मटेरियल हो गया, इसमें कंटामिनेट क्लोथ हो गए, एनिमल कार केसेस, ठीक है। फिर आता है मॉइस्ट हीट बिलो 100 डिग्री सेंटीग्रेड, इसमें सबसे पहले आता है पाश्चुराइजेशन। पाश्चुराइजेशन में क्या होता है दो मेथड है, होल्डर मेथड और फ्रेशर मेथड। होल्ड फॉर 30 मिनट एट 60 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। और उसके बाद में होता है फ्रेशर्स मेथड, फ्लेश फॉर 15 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड एट 72 डिग्री सेंटीग्रेड, देन क्विक कूलिंग ऑफ 13 डिग्री सेंटीग्रेड। एग्जाम्पल होता है मिल्क एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर बॉइलिंग होता है, बॉइलिंग एंड इंस्ट्रूमेंट इन 100 डिग्री सेंटीग्रेड बॉइल्ड वाटर फॉर 10 मिनट, देन मोस्ट ऑफ द पैथोजेनिक ऑर्गेनिजम्स आर किल्ड। स्टरलाइजेशन में भी प्रमोटेड बाय एडिशन ऑफ 2% सोडियम बाई कार्बोनेट इन वाटर, ठीक है। फिर आता है ऑटोक्लेव। ऑटोक्लेव में क्या होता है ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ऑटोक्लेव मोस्ट कॉमन मेथड फॉर स्टरलाइजेशन, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट, हाई टेम्परेचर और प्रेशर्स एंड ह्यूमिडिटी इन यूज, ठीक है। ये है ऑटोक्लेव का डायग्राम। इसमें क्या होता है कि ऑटोक्लेव में बहुत सारे टेम्परेचर सेंसर, प्रेशर सेंसर्स और जो उसमें से प्रेशर को रिमूव करने के लिए वगैरह ये सारी चीज़ें उसमें लगी हुई होती हैं, जिसे अपन इसमें एक प्रेशर जनरेट करते हैं, ठीक है, भाप के द्वारा। इसमें क्या होता है सबसे पहले ये रॉड लगी हुई है जिससे यहाँ पे वाटर होता है उसमें हीट होती है, और हीट होने से उसमें एक वेपर डेवलप होती है, उससे एक प्रेशर जनरेट होता है जिससे अपन जिससे कोई भी ये इंस्ट्रूमेंट वगैरह होते हैं उनको स्टरलाइज किया जा सकता है, ठीक है। और उसके बाद में देखते हैं अपन इसका मैकेनिज्म। स्टरलाइजेशन इज डन बाय सिस्टम स्टरलाइजेशन इज डन बाय स्टीम अंडर प्रेशर इज एन ऑटोक्लेव, वाटर बॉइल्स एंड इट्स वेपर प्रेशर इक्वल दैट द सराउंडिंग एटमोस्फियर, ठीक है। स्टरलाइजेशन इसमें स्टरलाइज करने के लिए क्या किया जाता है कि इसमें वेपर प्रेशर जनरेट की जाती है और सराउंडिंग का जो एटमोस्फियरिक प्रेशर होता है उससे भी ज़्यादा कर दिया जाता है इसमें प्रेशर, जिससे वो कोई भी
इंस्ट्रूमेंट वगैरह होते हैं उनको पेनिट्रेट करके उसमें से जो भी पैथोजेंस होते हैं वो सारे किल कर देता है, ठीक है। व्हेन प्रेशर इज इंक्रीज इन साइड अ क्लोज वेसल, टेम्परेचर इंक्रीज, सेचूरेटेड स्टीम हैज बेटर पेनिट्रेटिंग पावर। व्हेन स्टीम बिकम इंटू कॉन्टैक्ट विथ कूलर सरफेस, इट कंडेंस इंटू वाटर एंड गिवन अप टू हीट ऑफ सरफेस। इसमें मेन इंपॉर्टेंट याद रखने की बात यह है कि इसका जो टेम्परेचर होता है ना, इसमें टेम्परेचर 121 डिग्री सेंटीग्रेड, प्रेशर होता है 15 पाउंड पर इंचेज स्क्वायर, और टाइम होता है 15 से 45 मिनट, ठीक है। इसमें इक्विपमेंट क्या क्या स्टोरेज किए जा सकते हैं, इंस्ट्रूमेंट, फिर सिरिंज, निडल्स, मास्क, स्वेप्स, ड्रेस आदि को इसमें स्टरलाइजेशन किया जा सकता है। फिर आता है रेडिएशन, रेडिएशन में आता है दो, नॉन आयोनाइजिंग और आयोनाइजिंग, ठीक है। नॉन आयोनाइजिंग में क्या होता है, इंफ्रारेड रेडिएशन एंड यूवी रेडिएशन यूज फॉर प्री पैक आइटम्स सच एज सीरेंज, कैथेटर्स, ओटी और लैब्स। मतलब ओटी के कोई भी इंस्ट्रूमेंट वगैरह हो गए, लैब्स के इंस्ट्रूमेंट हो गए, कैथेटर वगैरह हो गए, सीरेंज वगैरह हो गए, वो सारे क्या करते हैं, यूवी लाइट से पास किए जाते हैं या इंफ्रारेड रेडिएशन से पास किए जाते हैं, ठीक है, जिससे वो स्टरलाइज हो जाते हैं। और आयोनाइजिंग होते हैं उसमें गामा रेज या एक्सरे या कॉस्मिक रेज का यूज किया जाता है, ठीक है। इसमें आते हैं प्लास्टिक सीरेंज हो गई, स्वेप्स हो गए, कैथेटर्स हो गए, एनिमल फीड्स हो गए, ठीक है। और उसके बाद में देखते हैं फिल्ट्रेशन, फिर हेल्प टू रिमूव माइक्रो ऑर्गेजम फ्रॉम हीट लेबल लिक्विड लाइक सीरा, सॉल्यूशन ऑफ सुगर्स, एंटीबॉडीज, ठीक है। फिल्ट्रेशन में क्या होता है कि इसमें अगर कोई भी हीट लेबल लिक्विड है उसमें से अगर किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को रिमूव करना है, ठीक है, तो उसके लिए फिल्ट्रेशन यूज किया जाता है। इसमें दो मेथड है, कैंडल फिल्ट्रेशन, वाटर इंडस्ट्रियल और ड्रिंकिंग वाटर को स्टरलाइज करने के लिए फिल्ट्रेशन का यूज किया जाता है। एबेस्टस फिल्टर, मेम्ब्रेन फिल्टर, ठीक है। प्रिपरेशन ऑफ सॉल्यूशन फॉर पेरेंटल यूज। और उसके बाद में आते हैं अपन केमिकल मेथड पे, केमिकल्स आर आल्सो यूज्ड फॉर स्टरलाइजेशन हीट सेंसिटिव मटेरियल लाइक बायोलॉजिकल मटेरियल, फाइबर्स, ऑप्टिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैनी प्लास्टिक आइटम कैन बी स्टरलाइज केमिकल्स, ठीक है। सबसे पहले लेते हैं एल्कोहल, इथाइल एल्कोहल एंड आइसोप्रोपाइल एल्कोहल मोस्ट कॉमनली यूज होते हैं, ठीक है। फिर मोड ऑफ एक्शन, एक्ट बाय डीनेचरिंग बैक्टीरियल प्रोटीन एंड डिहाइड्रेशन ऑफ सेल्स, ठीक है। एल्कोहल क्या करता है, बैक्टीरिया का डिहाइड्रेशन कर देता है और उसी प्रोटीन स्ट्रक्चर को नष्ट कर देता है, ठीक है। यूजेज, यूज मेनली एज स्किन एंटीसेप्टिक, डिसइंफेक्शन ऑफ क्लिनिकल थर्मोमीटर टू बी इफेक्टिव इज यूज एट 60 to 70 डिग्री परसेंटेज कॉन्सेंट्रेट ऑफ वाटर। मिथाइल एल्कोहल इफेक्टिव अगेंस्ट फंगल स्पोर्स, कैबिनेट्स एंड इंक्यूबेटर। फिर एल्डिहाइड, एल्डिहाइड में आता है फॉर्मल्डिहाइड, 10% सॉल्यूशन ऑफ फॉर्मेलिन कॉमनली यूज टू यूज स्टरलाइज बैक्टीरियल वैक्सीन्स, टू प्रिपेयर टॉक्सॉइड फॉर्म टॉक्सिन्स फॉर किलिंग ऑफ बैक्टीरिया, बैक्टीरियल कल्चर एंड सस्पेंस फॉर प्रेशर स्पेसिमेन। फिर है ग्लूटराल्डिहाइड साइडेक्स, यूज फॉर 2% बफर सॉल्यूशन टू यूज स्टरलाइजेशन ऑफ सिस्ट स्कोप, एंडोस्कोप्स एंड ब्रोंकोस्कोप टू स्टरलाइज प्लास्टिक एंडोट्रेकियल ट्यूब्स, फेस मास्क, रबर्स एंड एनेस्थेटिक ट्यूब्स एंड मेटल इंस्ट्रूमेंट। फिर लेते हैं फिनॉल, 1% फिनॉल हैज बैक्टीरियल एक्शन, कोज सेल मेम्ब्रेन डैमेज, रिलीज सेल कॉन्टेंट एंड कोज सेल लाइसिस, ठीक है। बाद में लेते हैं हेलोजन, हेलोजन में सबसे पहले लेते हैं क्लोरीन, इन द फॉर्म ऑफ ब्लीचिंग पाउडर आर यूज टू यूज वाटर सप्लाई एंड स्विमिंग पूल, ठीक है। ब्लीचिंग पाउडर यूज टू स्टरलाइज एच आई वी इंफेक्टेड मटीरियल। आयोडीन, एल्कोहलिक एंड एक्वस सॉल्यूशन इज यूज इन स्किन डिसइन्फेक्टेंट बीटाडिन, बीटाडिन में आयोडीन का यूज लिया जाता है ज़्यादातर, ज़्यादातर क्या मोस्टली वही होता है। फिर डाई, डाई में क्या, एनिलिन डाई, क्रिस्टल वॉयलेट, ब्रिलियंट ग्रीन, मेलेकाइट ग्रीन, ठीक है। और एक्लाइडिन डाई में क्या होता है, एक्रीफ्लेव, यू फ्लेविन, प्रोफ्लेविन, एमाइनोक्राइन टू यूज स्किन एंड वुन एंटीसेप्टिक। गैसेस स्टरलाइजेशन, फॉर्मल्डिहाइड फ्यूमिगेशन ऑफ ओटी एंड वार्ट्स, ठीक है। फॉर्मल्डिहाइड गैस इज जनरेटेड बाय एडिंग KMnO4 टू फॉर्मेलिन, डोर शुड बी सील्ड एंड लेफ्ट फॉर 24 या 48 आवर्स। स्टरलाइजेशन इज अचीव्ड बाय कॉन्स्टेंट कंडेंसेशन ऑफ गैस ऑन एक्सपोज्ड सर्फेसेस। फिर इथाइलिन ऑक्साइड इनसुटेबल फॉर फ्यूमिगेशन ऑफ रूम बिकॉज ऑफ एक्सप्लोजिव नेचर टू यूज स्टरलाइजेशन प्लास्टिक्स एंड रबर आर्टिकल्स एंड प्लास्टिक सिरंज। डेंटल इक्विपमेंट, रिसेप्टर्स, हार्ट लंग मशीन्स, सूचर्स एंड क्लोथिंग एंड एक्सेट्रा।
तो थैंक यू दोस्तों, यदि आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और ऐसे वीडियो में नोट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। तो थैंक यू दोस्तों, बाय बाय।